हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट डीएसएसबी से जुड़ी हुई खबरें लेकर आया हूं। तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारा डीओई असिस्टेंट पीआरटी था उससे जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट खबर आ रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कैंडिडेट्स इसका वेट कर रहे थे। तो अभी जो डीओई में असिस्टेंट पीआरटी है उसमें जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वो जारी किए गए, हालांकि अभी काफ़ी कैंडिडेट्स के जारी नहीं किए गए, कुछ ही कैंडिडेट्स के जारी किए गए। तो इसमें क्या है कि ये धीरे धीरे आपके लिए जारी कर दिए जाएंगे। जो कैंडिडेट्स रह गए हैं उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं, काफ़ी न्यू मतलब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किए गए हैं, जिसमें मतलब काफ़ी टीजीटी पीजीटी के भी कुछ पोस्ट है तो उनके लिए भी ये जारी किए गए हैं। तो अब इससे क्या है कि धीरे धीरे जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो पूरी होती जा रही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं न्यू वैकेंसीज से जुड़ी हुई काफ़ी क्वेश्चन कैंडिडेट्स के बार बार आ रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पाया था और फेस की वीडियो भी आज मैं नहीं बना पाया। तो अगर हम न्यू वैकेंसीज की बात करें तो न्यू वैकेंसीज का जो प्रोसेस है EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनकी वजह से रुक गया है। तो इसी वजह से जो न्यू वैकेंसीज हैं अभी थोड़ी डिले हो जाएंगे, तो लगभग एक महीने का टाइम आप और मान सकते हैं, क्योंकि अभी DSSB ने जवाब मांगा है, जो HOD हैं वहाँ पर मतलब वो पहुँचाया गया है कि आप EWS की जो पोस्ट हैं वो भी मार्क करके दे दीजिए। तो इसी वजह से ये जो न्यू वैकेंसीज हैं रुक गई हैं। हालांकि इससे ये चीज़ें साबित जरूर होती हैं कि वैकेंसीज जरूर आएंगी और भारी मात्रा में वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए मॉर्निंग न्यूज़, और अगर आपके कोई और क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, नेक्स्ट टाइम हम वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।